अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं और अपनी डायबिटीज की बीमारी को कंट्रोल करना चाहते हैं और बहुत उपायों के बाद भी आपने अपनी डायबिटीज को कंट्रोल नहीं कर पाए हैं, आज मैं आपके लिए प्याज की चाय लेकर के आई हूँ। ना आपने कभी सुनी होगी, ना आपने कभी ट्राई की होगी। एक ऐसी चाय है जो डायबिटीज वालों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, और ये शोध में भी बताया गया है कि डायबिटीज के लिए प्याज बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। अगर आप जानना चाहते हैं ये चाय मैंने कैसे बनाई है, तो बिना स्किप किए हुए मेरे वीडियो को पूरा जरूर देखें। फ्रेंड्स, स्किप मत करिए, अगर आप स्किप करेंगे तो आप पूरी रेमेडी मिस कर देंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, सब्सक्राइब के बगल वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। एंड फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज उसको लाइक भी जरूर कर दें। सो फ्रेंड्स, जानते हैं ये रेमेडी मैंने, ये चाय मैंने कैसे बनाई है और आपको इसका सेवन कैसे करना है अपनी डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए। सो फ्रेंड्स, चलते हैं और आपको बताते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज हम डायबिटीज को कंट्रोल करने का एक बेहतरीन नुस्खा लेकर आए हैं। अगर आप डायबिटिक मरीज हैं और आपकी डायबिटीज कंट्रोल में नहीं रहती, तो आज हम आपके लिए एक ऐसा नुस्खा लेकर आए हैं कि आपकी डायबिटीज कंट्रोल में रहेगी। फ्रेंड्स, तुलसी, अदरक, इलायची की चाय तो आप जानते होंगे, लेकिन प्याज की चाय के बारे में शायद ही आपने कभी सुना हो। सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन प्याज की चाय डायबिटीज के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। फ्रेंड्स, अगर आप नहीं जानते कि प्याज की चाय कैसे डायबिटीज मरीजों के लिए फायदेमंद है, तो चलते हैं बताते हैं आपको ये प्याज की चाय कैसे बनानी है और इसका सेवन आपको कैसे करना है अपनी डायबिटीज को कंट्रोल में रखने के लिए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे प्याज ली है। यहाँ पे मैंने एक मीडियम प्याज को काट करके और ऐसे स्लाइसेस काट ली हैं इसके, तो आप भी ऐसे ही इसके स्लाइसेस ऐसे ही काट लें अगर आपको प्याज की चाय बनानी है। फ्रेंड्स, एक्सपर्ट मानते हैं कि डायबिटीज मरीजों को अपनी डाइट में ना ये प्याज को शामिल जरूर करना चाहिए, क्योंकि प्याज में एंटीऑक्सीडेंट्स के साथ फाइबर की मात्रा होती है। फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स ब्लड शुगर लेवल को ना बढ़ने से रोकते हैं, तो इसलिए हम प्याज का इस्तेमाल अपनी डायबिटीज को कंट्रोल करने में जरूर करेंगे ताकि हमारी जो डायबिटीज है कंट्रोल में रहे। और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट से घर पे आसानी से आप ये उपाय कर भी सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा फर्स्ट इंग्रेडिएंट। इसके साथ हम लेंगे हमारा सेकेंड इंग्रेडिएंट, ये है मैंने लिया है तुलसी की ग्रीन टी। ये भी आप आसानी से आपको किसी भी ग्रोसरी स्टोर पे मिल जाएगी, आप किसी भी ब्रांड की तुलसी ग्रीन टी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने आधी चम्मच तुलसी ग्रीन टी ली है ताकि आपको फ्लेवर भी आपका अच्छा आ सके, क्योंकि आप अकेली प्याज की चाय नहीं पी पाएंगे। फ्लेवर के लिए और तुलसी भी आपकी डायबिटिक के लिए बहुत ज्यादा अच्छी है, तो आप तुलसी ग्रीन टी का ही इस्तेमाल करें। फ्रेंड, जो तुलसी है ना, जो डायबिटीज को कंट्रोल करने में मदद भी करती है। इसके साथ ही इसमें जीरो कैलोरी होती है, जो मौजूद कैटेसिन इंसुलिन के प्रभाव को ना कम करती है। तो आप जानते ही होंगे कि ये तुलसी ग्रीन टी कितनी अच्छी है डायबिटीज मरीजों के लिए। तो ये हमारे हो गए दो इंग्रेडिएंट। सो फ्रेंड, चलते हैं और बताते हैं आपको ये चाय पहले कैसे बनानी है, इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपको इस ड्रिंक पे और कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं और आपको इस चाय का सेवन कैसे करना है पूरे दिन में। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक पैन लिया है। सबसे पहले इस चाय को बनाने के लिए मैं सबसे पहले एक ग्लास पानी इसमें ऐड करूंगी, तो आप इसमें सबसे पहले एक गिलास पानी ऐड कर दीजिए। अब इसको हाई फ्लेम पे हम कम से कम 1 से 1.5 मिनट उबलने देंगे, फिर इसमें हम ऐड करेंगे जो हमने प्याज के स्लाइसेस काटे थे वो। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 से 1.5 मिनट हो चुका है और पानी अच्छे से उबल रहा है। इसके बाद मैं ऐड करूंगी ये प्याज के स्लाइसेस, तो मैं इसमें सारे भी प्याज के स्लाइसेस ऐड कर दूंगी। अब आपको इसको कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए उबालना है, और वो भी लो फ्लेम पे आपको 3 से 4 मिनट के लिए इसको अच्छे से उबालना है। इसके साथ ही हमारा जो सेकंड इंग्रेडिएंट है तुलसी ग्रीन टी, इसको भी मैं साथ में ऐड कर दूंगी। अब आप इसको कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से उबाल लें। फ्रेंड्स, एक शोध के मुताबिक प्याज की चाय टाइप 2 डायबिटीज से राहत दिलाने में बहुत ज्यादा फायदेमंद है। इसके साथ ही प्याज की चाय फ्री रेडिकल्स को खत्म करने का काम करती है। सो फ्रेंड्स, आप जानते ही होंगे कि अब प्याज की चाय डायबिटीज वालों के लिए कितनी अच्छी है।
तो आप इसको कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए लो फ्लेम पे उबाल लें, ताकि इसके जो प्याज और जो हमने जो ग्रीन टी मिलाई है वो अच्छे से पानी में उबल जाए। फ्रेंड इसके बाद मैं क्या करूँगी, इसको छान लूँगी एक ग्लास में, और आपको इसको कांच के ग्लास में ही छानना है। तो मैं इसको कांच के ग्लास में छानना है और इतना आपको पानी उबालना है, आपने एक ग्लास पानी उबाला डाला था तो इतना उबालें कि आपका आधा ग्लास पानी हो जाए। तो आपको एक ग्लास से आधा ग्लास पानी करना है उबाल उबाल कर। सो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी प्याज की चाय तैयार हो गई है। मैंने यहाँ पे एक ग्लास पानी डाला था और ये 3 से 4 मिनट में इतना उबल गया है कि आधा ग्लास ये पानी रह गया है। तो अब हम क्या करेंगे, मैंने इस चाय को फ्रेंड छान लिया था, आपको भी छान कर ही पीना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे फ्रेंड शहद। आप देख लीजिए मैंने यहाँ पे एक चम्मच शहद लिया है। अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं, शुगर फ्री हनी लेना है आपको, क्योंकि अगर आप वैसा शुगर वाला हनी यूज करोगे वो आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसान आपको पहुंच सकता है। अगर आपके पास शुगर फ्री शहद नहीं है तो आप उसको स्किप कर दें। सेकेंड इंग्रेडिएंट है इसमें है नींबू। आप नींबू अपने अकॉर्डिंग यूज करें, अगर आपको थोड़ा सा खट्टा पसंद है तो आप थोड़ी सा आधा नींबू निचोड़ लीजिए, अगर आपको कम पसंद है तो आप इसमें 6 से 7 बूंदे ऐड कर दीजिए। तो मेरे को भी कम पसंद है तो मैं यहाँ पे 6 से 8 बूंदे ऐड कर दूंगी। अब फ्रेंड्स इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स अब ये चाय आपको पूरे दिन में एक बार कभी भी लेना है, और इसको साथ ही आप प्याज को ना अपनी डाइट में भी ऐड करें। आप इस प्याज को सैलेड के रूप में खा सकते हैं, सब्जी के रूप में खा सकते हैं, और इस उपाय को आपको पूरे दिन में कभी भी लेना है। आप कुछ दिन करके देखें, आपकी डायबिटीज कंट्रोल में रहेगी। बहुत अच्छा उपाय है, बहुत अच्छा ड्रिंक है। और ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि प्याज की चाय कितनी अच्छी है डायबिटीज मरीजों के लिए। इसके साथ ही आप ये जरूर ध्यान रखें, जो आपको शहद लेना है वो आपको शुगर फ्री ही लेना है। अगर आपके पास शुगर फ्री शहद नहीं है तो आप उसको स्किप कर दें। सो फ्रेंड्स अगर आपके और भी कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड फ्रेंड्स मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर लें। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सो फ्रेंड्स आज के लिए बाय बाय, थैंक यू।